जय श्री श्याम। आज मैं लेकर आई हूँ साबूदाने की ड्रिंक की रेसिपी, जो होली स्पेशल ड्रिंक है। बहुत ही कलरफुल ड्रिंक, घर पे फटाफट बन जाएगी, वो भी बिना किसी जेली के। तो चलिए अब मैं बताती हूँ ये समर स्पेशल, होली स्पेशल प्लस व्रत स्पेशल ड्रिंक मैंने कैसे बनाई। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये खास रेसिपी पसंद आएगी, और वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने बहुत खास ट्रिक यूज़ करी है आज ड्रिंक बनाने के लिए। आज जो मैं ड्रिंक बना रही हूँ ना, वो मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1/2 लीटर दूध, जो फुल फैट यहाँ पे दूध मैंने यूज़ किया है पैकेट वाला। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से ना 2 स्पून दूध मैं अलग बाउल में निकाल लूँगी, और बाकी दूध को मैं अच्छे से बॉयल होने के लिए गैस पर रख दूँगी। तो अब जो मैंने दूध यहाँ पे अलग निकाला है ना, इसमें मैं ऐड करूँगी अब यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1 टेबल स्पून। तो मैंने 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून करके यहाँ पे 1 टेबल स्पून यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि कोई भी कस्टर्ड का यहाँ पे लम्स ना रहे। ये देखिए, अब दूध में अच्छे से कस्टर्ड पाउडर मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम लोग दूध चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दूध भी अच्छे से यहाँ पे बॉईल आ चुका है। अब जब दूध में बॉईल आ गया, फिर मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऐड करी यहाँ पे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगी, फिर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर। तो ये देखिए, यहाँ पे चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई, फिर मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। फिर मैंने ऐड किया इसमें कस्टर्ड पाउडर, और लीजिए जस्ट इसको मिक्स करेंगे, और इसको बराबर हम चलाते रहेंगे, नहीं तो लम्स पड़ सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा कस्टर्ड तो यहाँ पे बनके परफेक्टली एकदम रेडी हो गया। अब कस्टर्ड तो देखिए बनके रेडी हो गया। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ, ताकि ये हल्का सा नॉर्मल हो जाए। जब ये हल्का सा नॉर्मल हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से एकदम चिल्ड हो जाए। तो चलिए अब मैं इसको फ्रिज में रखाती हूँ, और नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 ग्लास पानी। अब पानी में मैं ऐड करूँगी यहाँ पे मीडियम साइज़ का, यहाँ पे देखिए साबूदाना, ना बहुत बड़े साइज़ का ना एकदम छोटा वाला साबूदाना है, मीडियम साइज़ का साबूदाना मैंने लिया। और 1/2 कप से मैंने थोड़ा सा कम यहाँ पे साबूदाना यूज़ किया है, और मैंने अच्छे से इसको कपड़े से मैंने पोंछ लिया था, मैंने वॉश नहीं किया था। और अब मैं इसको अच्छे से बॉयल आने दूंगी, जब तक ये एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। जब तक ये बॉयल हो रहा है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सब्जा सीड्स ले लेते हैं। सब्जा सीड्स जो मैंने आज लिया है, वो 1 टेबल स्पून मैंने सब्जा सीड्स लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा पानी, और मैं सोख होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तो चलिए अब हम लोग साबूदाना चेक कर लेते हैं। देखिए, साबूदाना भी अच्छे से यहाँ पे फूल रहा है। जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, हम इसको जब तक पकाएंगे। ये लीजिए, साबूदाने भी अच्छे से यहाँ पे देखिए फूल के रेडी हो चुके, एकदम ट्रांसपेरेंट से हो गए। तो चलिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो अब मैं इसको पहले छान लूँगी, और छानने के बाद जब साबूदाने का पानी अलग हो जाएगा, फिर मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी 2 से 3 बार फ्रेश पानी से, ताकि जो भी साबूदाने की वो जो स्टिकनेस होती है ना, वो हट जाए। तो ये देखिए, चलिए अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, जब आप ये ड्रिंक बनाएं तो इसको वॉश बहुत अच्छे से करिएगा, ताकि जो भी इसमें स्टिकनेस होती है ना साबूदाने की, वो हट जाए। तो ये देखिए, मैं 2 से 3 बार इसको वॉश करके ले आई हूँ। तो चलिए अब साबूदाना तो रेडी हो गया, अब हम लोग ड्रिंक की नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो चलिए अब साबूदाने को मैं साइड में रख देती हूँ, और मैं कस्टर्ड ले आती हूँ फ्रिज से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड जो है वो ठीक हो चुका है, क्योंकि फ्रिज में रखा था, प्लस इसके ऊपर एक मलाई सी जम जाती है। तो इसको अब मैं क्या करूँगी ना, ब्लेंडर से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी, ताकि ये जो थिकनेस है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो चलिए अब मैं इसको ब्लेंड करके ले आती हूँ। अगर आप ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करना चाहते, तो आप मिक्सर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ये लीजिए, मैं यहाँ पे ब्लेंड करके ले आई, परफेक्ट एकदम कस्टर्ड यहाँ पे ड्रिंक के लिए बनके रेडी हो गया। अब मैं ऐड करूँगी सब्जा सीड जो मैंने सोख होने के लिए रख दिए थे, साथ में ऐड किया मैंने साबूदाना, और साथ में ऐड करूँगी यहाँ पे थोड़े से बादाम के फ्लेक्स, और थोड़ी सी यहाँ पे टूटी फूटी मैंने ऐड करी, क्योंकि बच्चों को वो बहुत पसंद आती है। अब फ्रेंड्स, होली है, तो होली में तो ड्रिंक को कलरफुल करना पड़ेगा, और मैं कोई जेली यूज़ नहीं कर रही। तो जिसके ऑल्टरनेट मैंने क्या किया, मैंने अनार के दाने लिए, और आइस ट्रे में जस्ट डाल करके थोड़ा पानी ऐड करके मैंने ओवर नाइट इसको सेट होने के लिए रख दिया था। नेक्स्ट डे देखिए, मेरी यहाँ पे पोमोग्रेनेट कलरफुल आइस बनके रेडी हो गई, जिसके ऊपर मैंने थोड़े चिया सीड्स भी डाल दिए थे।
तो अब मैं इसी को ऐड कर दूंगी अपनी ड्रिंक में, जिससे ड्रिंक भी कलरफुल भी लगेगी और प्लस पोमेग्रेनेट है तो इसी बहाने बच्चे फ्रूट्स भी यहाँ पे खा लेंगे। अब ये आइस ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अब की बार होली सीजन में कुछ नया करना होना तो ये ट्रिक आप एक बार यूज़ ज़रूर करिएगा। ये ड्रिंक वाकई में टेस्टी भी बहुत और हेल्दी भी बहुत है, और अभी नवरात्र आ रहे हैं ना तो आप उसमें भी ये ड्रिंक को बना के यूज़ कर सकते हैं। पर उसमें आप कस्टर्ड की जगह ना, मैंने कस्टर्ड की वीगन कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करी है, आप उस कस्टर्ड की रेसिपी में भी आप यही ट्रिक अप्लाई करके आप आराम से सर्व कर सकते हैं। तो वो रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करके देखिएगा ज़रूर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ड्रिंक को अच्छे से ग्लास में सर्व कर दिया ऊपर से थोड़े से। अब सर्व करने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर से और बादाम के फ्लेक्स ऐड करूँगी, और कलरफुल बनाने के लिए मैंने ऊपर से आइस ऐड करी पोमेग्रेनेट वाली और थोड़े से पिस्ता। ये लीजिए, हमारी होली के लिए कलरफुल ड्रिंक रेडी हो गई, और हमारी समर के लिए भी। तो अब की बार समर सीज़न हो या फिर होली हो तो ये ड्रिंक एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही कलरफुल रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बच्चे तो इसे बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी कलरफुल ड्रिंक पसंद आएगी होली स्पेशल। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, नवरात्रों के लिए वीगन कस्टर्ड की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देखिएगा ज़रूर, अब की समर सीज़न और नवरात्र के लिए। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम एंड बाय।